दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों इंग्लैंड को पहले ही दिन 218 रन पर कुलदीप यादव और अश्विन ने रोका, लेकिन फिर मैदान पर आकर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने छक्के चौकों की लगा दी झड़ी। बीच मैदान पर शतक जड़कर ऐसे पलटा मुकाबला की देखकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। तो दोस्तों आखिर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की पूरी बल्लेबाजी दिखाएंगे और साथ में गेंदबाजी भी आप भारत की जरूर देखे बिना मत जाइएगा कहीं भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से कौन अच्छा बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा टेस्ट मुकाबला धर्मशाला के HPCA क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां इस मैच में इंग्लैंड टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों इस बात का तो अंदाजा उनको भी नहीं था कि 218 रन पर पूरी इंग्लैंड की टीम ढेर हो जाएगी। दरअसल हुआ ये कि जैक क्रॉली और बेन डकेट ने जब पारी की शुरुआत की थी तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए तो 64 रन बना दिए थे, लेकिन यहाँ पर कुलदीप यादव ने जैसे ही बेन डकेट को आउट किया तो एक के बाद एक विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। कुलदीप यादव ने इस बीच ओली पोप को 11 रन पर चलता किया, जो रूट को 26 रन पर, जॉनी बेस्ट्रो को 29, तो वहीं जैक क्रॉली को 79 रन पर आउट कर देने के बाद कुलदीप यादव ने यहाँ कप्तान बेन स्टोक्स का भी विकेट चटका दिया और 5 विकेट लेते के साथ कुलदीप यादव ने यह मुकाबला पूरी तरह से इंग्लैंड के मुंह से छीन लिया। अब दोस्तों रविंद्र जडेजा ने जो रूट को आउट करने का काम किया, जो कि 26 रन बनाकर ही आउट हो गए और उनके बाद तो मानो अश्विन ने अलग ही लय पकड़ ली। उन्होंने बेन फॉक्स, हार्टली, मार्क वुड और यहाँ तक कि जेम्स एंडरसन को चलता किया और 218 रन पर इंग्लैंड की पूरी पारी सिमट गई, जैसा कि आप सब यहाँ पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। और भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 5 विकेट कुलदीप यादव के नाम रहे, तो वहीं 4 विकेट अश्विन को मिले और 1 सफलता जडेजा के नाम रही। अब जब भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने की। हालांकि उम्मीद तो थी कि दोनों बल्लेबाज यहाँ पर थोड़ी सूझबूझ भरी पारी खेलेंगे क्योंकि पिच जो है वो हरकत काफी ज्यादा कर रही है। लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने तो मूड पहले ही बना लिया था कि वो छक्के चौके के अलावा एक दो रन भागने वाले ही नहीं है, और यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी करने वाले यशस्वी जायसवाल भी उनके ही राह पर चल पड़े। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते यहाँ पर 50 रन की साझेदारी तो बस मात्र 6 ओवर तक ही कर दी थी और दोस्तों इतनी तेजी से रन बन रहे थे कि मानो इंग्लैंड के गेंदबाज अब घबराने लग गए कि आखिर इन बल्लेबाजों को आउट कैसे किया जाए, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा तो बस बाउंड्रियां लगा रहे थे और उनका साथ निभाने वाले यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे रहने वाले थे। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते यहां 100 रन के आंकड़े के पार अपनी टीम इंडिया को पहुंचा दिया और इस बीच कप्तान रोहित शर्मा ने तो अपना 50 रन का आंकड़ा भी मात्र 50 गेंदों में पूरा करके हर किसी को हैरान कर दिया। तो वहीं यशस्वी जायसवाल ने भी 3 छक्कों की बदौलत यहां पूरा मुकाबला अपने दम पर पलट कर रखा। इस दौरान अब भारत की टीम आज के दिन का मैच समाप्त हो जाने तक 100 रन पीछे अभी इंग्लैंड टीम के कंपैरिजन में और टीम इंडिया का विकेट खबर बोले जाने तक है, और ऐसा लगता है कि भारत की टीम बड़ी आसानी से इस मुकाबले में 500 रन के पार भी पहुंच सकती है, क्योंकि दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए ये काफी अच्छा विकेट है और जितने ज्यादा रन हो सके उतने भारत बनाए जिससे कि दूसरी पारी में ही इंग्लैंड की टीम घुटने टेक कर भारत के आगे हार मान ले। बाकी अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की ऐसी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के प्रदर्शन को देख लेने के बाद, और आप उनके प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।